भूषण ज्वेलर्स। श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र में सड़कों पर 58 करोड़ रुपए खर्च कर सड़कों का कायाकल्प होगा, यह बात दुलेहत पंचायत के दलेत से नीलाबा संपर्क सड़क व सामुदायिक भवन भूरीवाला का लोकार्पण व शिलान्यास करने के उपरांत पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने कहे। संपर्क सड़क दुलेत से नीलावास पर करीब 52 लाख खर्च किया गया है व सामुदायिक भवन भूरीवाला जिस पर 5 लाख खर्च किए जाएंगे। रामलाल ठाकुर ने सड़क का लोकार्पण करने के उपरांत जनसभा को भी संबोधित किया और जनसभा में लोगों की जनसमस्याओं को भी सुना। इस मौके पर लोक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता गुरविंदर राणा, महिला कांग्रेस की प्रधान अनीता देवी, जिला परिषद सदस्य पूजा रानी सहित सैकड़ों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। मैं 5 बार इस चुनाव क्षेत्र से MLA बना हूं, 4 बार मैं हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में गवर्नमेंट में मिनिस्टर रहा हूं। आज मुझे बता दो, जो जो डिपार्टमेंट मेरे पास थे आपके इलाके को, अगर कोई कमी रही है तो मुझे बता दो। मुझे एक सड़क का नाम बता दो जो भारतीय जनता पार्टी ने जिसकी DPR तैयार करवाई हो। मुझे एक स्कूल के अलावा सारे चंद्र एरिया के स्कूलों के बारे में मुझे बता दो, एक भी स्कूल तुमने 10 जमा 2 का किया हो। नैना देवी की ITI, स्वार की ITI रामलाल ठाकुर ने और वीरभद्र सिंह ने बनाई है, किसी दूसरे ने नहीं बनाई है। अगर नैना देवी में सब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज खोला है तो मैंने खोला है। सब डिवीजन अगर स्वार घाट में बनाया है तो मैंने बनाया है। सब तहसील को तहसील अगर बनाया है तो मैंने बनाया है। और सब तहसील भी मैं ये कहना चाहूंगा कि दौलतराम संख्यान जी के टाइम में स्वार घाट में सब तहसील खुली थी। आप मुझे बता दो, एक काम बता दो इस एरिया में जो भारतीय जनता पार्टी ने किया। हाँ, एक काम जरूर किया कि नैना देवी का ट्रस्ट का पैसा पंजाब में जमा करवाया और यहां से गाड़ियां 36 गाड़ियां जो है वो अपने कजन ब्रदर के नाम से, उसके रिश्तेदार हैं यहाँ पे आनंदपुर में नीचे, उनके नाम पर जमा करवा के, लोगों को तो काम नहीं मिला लेकिन अपने परिवार के नाम से 38 गाड़ियां चला के जो है ये रेलवे लाइन के काम के ऊपर जो है ना हाथ मारते रहे, करोड़ों रुपए कमाए। अभी तो तुम्हारे को शराब बांटा रात को, हमारे यहाँ पे बोल रहा था यहाँ पे हरिराम डांगी जी कभी रात को 2-2, 3-3 बजे तक घूमे वो भले मानसो, शराब पी के और शराब पैसा बांट के वो तब घूमे जब इन्होंने 2 नंबर का पैसा कमाया था। हमने आपके साथ मिलके काम किया है भाई। शराब शुरू जो है मैंने कहा रामलाल ठाकुर के पास तो शराब नहीं है। स्वारघाट से सुभाष चंदेल की रिपोर्ट।